तरफ न्यायधानी तो दूसरी तरफ राजधानी, क्या होगी राइवलरी कहानी और इतिहास के पन्नों पर भड़गांव के सरजमी पर कौन सा टीम इतिहास लिखेगी और द ग्रेट फिनाले फाइनल मैच 50,000 रुपए चमचमाती हुई ट्रॉफी 24 कैरेट सोना मिलियन बेबी रोलर। हेलो ऐसी फर्स्ट रेड जा रहा है कौन सा टीम जीतेगा कमेंट कर लेना पहले से भाई, बाकी थंबनेल टाइटल्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। और लंबे गत का रेडर 181 नंबर चेस्ट नंबर स्ट्राइकर रेडर अपने हरियाणा दिल्ली के लिए अपने राइट कवर को, और यहां पर खतरा हो सकता है बिलासपुर के लिए। दो अंकों के साथ खाता खुल गया है दिल्ली का। राजधानी और न्यायधानी के बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जैसे ही उनका आगमन होता है स्टेज पर जो बैठे हुए आपसे विशेष आग्रह है भाई कुर्सी खाली कर दें ताकि उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जमींदार भटगांव पुष्पेंद्र प्रताप सिंह छोटू दादा हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। फौज फटकों के साथ आवाज आ रही है, मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है। और इसी बीच में मोटे तगड़े लंबे कद काठी थोड़ा कम है लेकिन बॉडी वेट बहुत बेहतरीन है इसका, हवाई फायर करने का प्रयास था। ग्रीन कार्ड यहां पर दिखाया गया है। ग्रीन कार्ड मिला है, चेतावनी दी गई है खिलाड़ियों को कि भाई आप डिसिप्लिन के अंतर्गत मैच खेलेंगे। खिलाड़ी ध्यान दें, डिसीजन आप नहीं देंगे, हमने यहां ऑफिशियल नियुक्त किया हुआ है डिसीजन देने के लिए सक्षम है, उनके डिसीजन से पहले आप अपना डिसीजन मत सुनाया करिए। गजब कमाल कर दिया है, छोटा फटाका बड़ा धमाका। ये अंडर 14 का खिलाड़ी है जिन्होंने सीनियर कबड्डी दल दिल्ली के कोर्ट में जाकर के अपने मुख्य खिलाड़ी का रिवाइवल करवाया है, जो बहुत बड़ी बात। इसको पकड़ना होगा बिलासपुर को, तब जाकर बात बनेगी क्योंकि हरियाणा चमचाऊंगा दिल्ली। दिल्ली की टीम बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है। और यहां पर हैंड टच लगाया, लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े खिलाड़ी नंबर 4 की जर्सी पर दुर्गेश साहू, उसको बाहर जाना पड़ेगा। और किस तरीके से इसको रोका गया है दिल्ली के द्वारा, ये काफी दिलचस्प कहानी होने वाली है। राइवलरी बदल रही है और दिल्ली बहुत ही मजबूती के साथ न्यायधानी के ऊपर अपना सिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही, लेकिन वही बिलासपुर सुपर टेकल के सिचुएशन में खेल रही है। क्या इसको रोकेंगे? इसको रोक लिया तो लाइव अतिथियों का आगमन हो रहा है, रोकेंगे तो उसका मुख्य खिलाड़ी अंदर आएंगे। कर दो भाई, अतिथियों का आगमन हो रहा है, गेट खाली, सुपर टेकल हो गया है। और सुपर टेकल में 2 अंक मिलेंगे, 4-5 के मुकाबले हो गए हैं। चेक हो रही है खिलाड़ियों का, मशीन
और यहां से निकल गया खिलाड़ी। पहले को अद्भुत प्रदर्शन, ब्रिलियंट। अंडर 14 का यह खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के बीच में जब इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है तो आने वाले समय में बिल्कुल इसका तूटी बोलेगी कबड्डी जगत में। और ये लंबे गति खिलाड़ी 5-5 के मुकाबले बराबरी पर आ गई है बिलासपुर की टीम। तो निश्चित रूप से वापसी कर ली है बिलासपुर ने। और दिल्ली की टीम जो बढ़त बनाई थी उसको कवर कर लिया है। और अपने राइट कॉर्नर पर स्ट्रगल करते हुए खिलाड़ी इरादा बदल कर अपने लेफ्ट कॉर्नर को ठकाने का प्रयास किया था। डिसिप्लिन और अनुशासन को हमारे ऑफिशियल के द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हिदायत देते हुए, जर्सी अगर बाहर रहती तो उसमें जर्सी पुलिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो कृपया आप उसको ध्यान देंगे। डिसिप्लिन में रहकर के खेल खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये लंबे गति के खिलाड़ी है, इसके ऊपर बहुत इनाम की बारिश हुई थी पिछले मैच में। ये जाएंगे बाहर बीच में। आज के हमारे मुख्य अतिथि जमींदार भटगांव पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी का आगमन हो चुका है इस पे। बिलासपुर 6 दिल्ली 5। दिल्ली 7। उसको क्या कंसोलिडेट कर पाएगी दिल्ली या उसे आगे निकलना चाहेगी बिलासपुर का यह टीम। नंबर 11 के जर्सी पर संस्कार मित्रा मुख्य हथियार आ रहा है। बेहतरीन तरीके से हवाई फायर किया है, दो टच लगाया है, कॉर्नर के खिलाड़ी जाएंगे बाहर। तो बिलासपुर को एक बड़ी बढ़त के साथ अंक तालिका में कंसोलिडेट हो रहा है, वापसी कर रहे हैं। लगातार दर्शकों से आवाज आ रही है इसको कैच करने का जो संतनाद है वो किया जा रहा है बिलासपुर के टीम के पक्ष में। और मेन कॉर्नर को कोर्ट से बाहर जाने का रास्ता दिखाया है वो मुख्य खिलाड़ी। बिल्कुल धैर्यता के साथ आगे बढ़ रही है दोनों टीमें। तो कबड्डी की इस रणभूमि में एक से एक जाबाज खिलाड़ी आते हैं और कोहराम मचा कर जाते हैं, और कोई अपने आप को सरेंडर करके भी जाते हुए दिखाई देते हैं कबड्डी की इस रणभूमि में। और नंबर 11 के खिलाड़ी लंबे गत के खिलाड़ी हैं। और अभी अभी जूनियर कबड्डी नेशनल में अपना परचम लहराकर वापसी किया है। 5 के डिफेंस में बोनस अवेलेबल होगा नहीं, टच पॉइंट के लिए जानेंगे तो बिल्कुल डूबने का खतरा होगा। गहराई में जाएंगे तो डूबने का खतरा बिल्कुल रहेगा, गहराई में जाएंगे तो डूबने का खतरा रहेगा। अगर आप लालच देंगे खिलाड़ियों को बाहर निकालकर टच पॉइंट बनाने का तो ये सुनहरा अवसर भी हो सकता है। और दोनों टीमों ने बीच बीच में अंक हासिल किया हुआ है सर, जिसके वजह से डू आर डाई की समस्या आ नहीं रही है। और जैसे जैसे मैट गर्म होगा वैसे वैसे बढ़ेगा। लायन जंप लगाया है। एक खिलाड़ी जाएंगे बाहर और बहुत ही मजबूती के साथ अपने आप को मिड नाइन की ओर खींचा है 11 नंबर की जर्सी। और दिल्ली का खिलाड़ी गया बाहर। पहले को मोटे तगड़े खिलाड़ी कटप्पा, दर्शक पूरी तरीके से उत्साहित है। इसको टैकल कर लिया तो लाइफ झींगा वाला। दावे कर रहे थे अंकों का लेकिन वहां पर डिफेंडर के साथ कोई संपर्क नहीं बना, लिहाजा रेडर होंगे आउट। संस्कार मिश्रा को धैर्य के साथ सुपर टेकल के सिचुएशन को मुकम्मल करना होगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए बिलासपुर को धैर्य के साथ इस पोजीशन को टैकल करना होगा संस्कार मिश्रा को, क्योंकि डिफेंस जो है दिल्ली की बहुत तगड़ी है। और ये मुकम्मल हुआ है बेहतरीन तरीके से, वापसी कर लिया संस्कार मिश्रा। चल पड़े हैं बिल्कुल वन मैन आर्मी। दस आठ के मुकाबले
दिल्ली 8। अभी भी फर्स्ट हाफ का 2 मिनट 5 सेकंड का खेल आना बाकी है, 28-29 सेकंड का खेल आना बाकी है। तो निश्चित रूप से इस बचे हुए समय में दिल्ली क्या रणनीति अपनाती है, क्या गुरु मंत्र लेकर आती है मैदान में, ये देखना दिलचस्प होगा। राइवलरी कहानी हिस्ट्री क्या दर्शाते हैं इन दोनों टीमों के बीच में, आने वाले कुछ मिनट में आप सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी बिल्कुल गांव के अगला दिल्ली का जो जन राजपुर दास दिल्ली 8 जन समंदर यहां पर मौजूद है, उसके बीच में इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डेट बोनस करने का अटेम्प्ट किया था लंबे कट करने का और वहां पर गिर जाएंगे। तो धीरे धीरे पूरी तरीके से राजधानी के ऊपर न्यायधानी का पकड़ बनता जा रहा है। कंसोलिडेट किया है 11 अंकों के साथ बिलासपुर, बिल्कुल कहीं ना कहीं रोटी के ऊपर बासी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ये मधुबन और हरियाणा के बीच जो टक्कर का मैच हुआ था कहीं उसी तरीके से ना हो जाए, सतर्क रहना होगा। छत्तीसगढ़िया हाँ 14 नाव के मुकाबले राकेट की रफ्तार और मिसाइल की रफ्तार बेहतरीन तरीके से डेट करने का प्रयास है। यहाँ पर 2 खिलाड़ी जाएंगे बाहर ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जो पीछे से ब्लॉक करने के लिए गए थे खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे। और अभी तक के मैच में दोनों टीमों ने आगाज बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, 15 लेकिन उस बढ़त को दिल्ली के विरुद्ध में कंसोलिडेट करके रखा हुआ है बिलासपुर चिंगराजपारा। जूनियर खिलाड़ियों का शुमार है, अगर गोविंदा आ जाते तो फिर खतरा का सबब बन जाता, लेकिन गोविंदा की अनुपस्थिति में संस्कार मिश्रा रेड की कमान संभाले हुए है वही डिफेंडिंग डिपार्टमेंट में। यस सर, नाम देने वाले हैं लग रहे हैं। यस सर, और एक बार फिर इनाम की बारिश हो रही है। अगर हर एक रेड में दिल्ली 5 के लिए संस्कार मिश्रा को अगर दिल्ली रिमांड पर लेती है तो हमारे टीआई सर के द्वारा हर एक रेड में 500 रुपया दिया जाएगा, लेकिन फिर हार दिल्ली के रेडर को रिमांड पर लिया है न्यायधानी के डिफेंडर ने, जाएंगे बाहर। आला रे आला, ब्रिलियंट, इसको पकड़ने पर 500 रुपए हमारे टीआई सर जो कि हमारे मैदान पे मौजूद है और बहुत ही सुंदर तरीके से मैच का लुत्फ उठाते रहे हैं, जिन्होंने हजारों रुपया प्रोत्साहन राशि आशीर्वाद रूप में दिए हुए हैं हर खिलाड़ियों को। इनकी उपस्थिति एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस स्टेडियम में। और पैक किक लगाने का प्रयास किया था संस्कार मिश्रा ने, 17-11 के मुकाबले बहुत बेहतरीन मैच भाई, बहुत ही कांटेक्ट मुकाबला है बिलासपुर और दिल्ली के बीच में। एक दबाव बनाकर रखा हुआ है, पूरी तरीके से इंद्र गर्म हो गया है, पूरे दर्शक उत्साहित है इस मैच को देखने के लिए। और टेकल कर लिए गए, और यहां पर लगभग सुपर रेड कर दिया है खिलाड़ी, देखते हैं कितने पॉइंट यहां पर होते हैं, गिनती शुरू है और 4 अंकों का मल्टी पॉइंट रेड हासिल किया है। और इसी के साथ पहले हाफ का खेल यहीं पर समाप्त होता हुआ और सेकंड हाफ में 15-17 के मुख्य के सदस्य डेलीजेंट आप कबड्डी पानी उपलब्ध करा देंगे खिलाड़ियों के लिए, पानी नहीं है बॉटल में पानी नहीं है, पानी ले आएंगे। और सुपर टेकल का सिचुएशन है, सुपर टेकल ऑन है और अभी भी बिलासपुर के कोर्ट पर 11 नंबर के खिलाड़ी के मौजूदगी मजबूती प्रदान कर रही है बिलासपुर को, तो वहीं 8 नंबर की जर्सी ने दिल्ली के लिए सुपर रेड करके अफरा तफरी बचा दी है बिलासपुर की कोर्ट पर।
बहुत बेहतरीन मुकाबला, पूरे के पूरे दर्शक जो है दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो गई है। आठ नंबर को पकड़ने पर ₹1000 का इनाम रखा गया है। इनामी खिलाड़ी करोड़ी मल इसको पकड़ लिया तो लाइफ झींगा लाला, लेकिन सावधानी रखना होगा यहां पर बिलासपुर को। संस्कार मिश्रा भी है कोर्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से जल्दबाजी के लिए नहीं जाने चाहेंगे। नवीन साहू से गलती हो गया, जो कि गोल्ड मेडल लाए थे छत्तीसगढ़ के लिए, अंडर 14 का वो मैच था झारखंड में। और 11 नंबर के खिलाड़ी है अभी भी स्ट्रगल पर, संस्कार मिश्रा, इसको पकड़ने पर ₹500 का इनाम है, ₹1000 का पकड़ लिया। दिल्ली ने वापसी कर ली है, बराबरी पर आ खड़ी हुई है मैच। 18-17 के मुकाबले अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहेगी और ऑल इन होकर सभी खिलाड़ी कोर्ट के अंदर एक बार फिर 17-18 के मुकाबले। 9 मिनट 2 सेकंड का खेल अभी भी आना बाकी है सेकंड हाफ का। 18-20 के मुकाबले दिल्ली 20 पर हर बार ₹500 मिलेगा संस्कार दिल्ली को, लेकिन यहां पर कैच कर लिया गया संस्कार मिश्रा। एक बार फिर अपने खेल में निरंतरता नहीं रख पा रहे हैं संस्कार। कप्तान को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको अंदर बुलाकर इसको टेकल किया जा सकता है। निश्चित रूप से एडवांस टेकल के लिए नहीं जाना चाहेंगे बिलासपुर। कोई बहुत बड़ी बढ़त कंसोलिडेट नहीं कर रही है अभी दिल्ली की जो टीम है। गाइस यहां पर दिल्ली की, अभी बिलासपुर के एक और टीम आनी बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है मेरे भाई। माहौल बनाकर रखा हुआ है 3 अंकों के साथ, लेकिन बिलासपुर कोई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी नवीन है, तो बहुत ही चतुराई के साथ नवीन को रेड करना होगा। ये 14 साल के खिलाड़ी है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, और पूरे मैच में अपना तफरी मचा कर रखा हुआ है। अद्भुत, ब्रिलियंट मैं कहूंगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने जा रही है दिल्ली न्यायधानी के पक्ष में। लेकिन बिलासपुर को निरंतरता बरकरार रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी। अभी भी कप्तान साहब कोर्ट के अंदर है बाबा, तो अपने खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं बिल्कुल। अभी भी आप मैच में बने हुए हैं, कोई बहुत बड़ी लीड कंसोलिडेट नहीं किया है दिल्ली ने। 7 मिनट 15 सेकंड का अभी भी खेल आना बाकी है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर हैंडल किया है नंबर 4 के खिलाड़ी को दिल्ली ने। अपनी निरंतरता, अपने आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं यहां पर तगमगवा लिया है बिलासपुर के खिलाड़ियों ने। तो नंबर 5 के जो मुख्य डिफेंडर है बिलासपुर के लिए, और ये थर्ड रेड है, और यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वापसी हो रही है संस्कार मिश्रा की एक बार, तो चतुराई के साथ रेड करनी होगी संस्कार को। कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, संस्कार ज्यादा डीप ना जाए, और अपने फुटवर्क और स्किल के साथ खिलाड़ियों को झांसे में लाकर आपको बाहर लाना होगा। ज्यादा डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो डूबने का खतरा रहेगा। ये बहुत बढ़िया है, और ये बेहतरीन, लेकिन वहां पर टैकल कर लिए गए, लायन जंप लगाया था। लायन जंप लगाया था, लेकिन दिल्ली के मजबूत डिफेंस ने 24 दिल्ली 24 बिलासपुर ने, और इसके ऊपर ₹1000 के इनाम है 8 नंबर के जर्सी पर। अगर इसको पकड़ लिया तो निश्चित रूप से 1000 की जो इनाम लगी है उसका आप हकदार बन जाएंगे। संस्कार को पकड़ने पर ₹500 का जो इनाम लगा था उसको मुकम्मल कर लिया है दिल्ली ने। अभी भी 5 अंकों की बढ़त है,
अभी भी वापसी करने के दरवाजे खुले हैं बिलासपुर के लिए, चिंगराज पारा के लिए। पांच मिनट का अभी भी खेल आने बाकी है, तो कोई एक चमत्कार मैं नहीं कहूंगा, आप अपने रेड से ही उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। एक खिलाड़ी जाएंगे बाहर, सेंटर कवर के खिलाड़ी जाएंगे बाहर। मातृभूमि का खेल है कबड्डी, जो कि आज मिट्टी से निकलकर मैट पर होने जा रहा है, और बिल्कुल शांत तरीके से रेड को मुकम्मल करने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी, क्योंकि अपने आप को चार अंकों से बढ़त पर कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, और अंतिम पांच मिनट का खेल आना बाकी। इस पांच मिनट में बिलासपुर को जो चार मिनट का जो लीड कंसोलिडेट करके रखा है दिल्ली, उसको पूरा करना होगा। दो अढ़ाई का इंतजार हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहां से समीकरण बदलेगा, तो धैर्य रखना होगा बिलासपुर के खिलाड़ियों को। यहां से वापसी होने का पूरा चांसेस है, और यहां से बदल गया समीकरण, दो अंक, और यहां से समीकरण एक बार फिर झुक गया है दिल्ली के पक्ष में। दिल्ली 26, गलती हो गया डिफेंडर से बहुत बड़ी, 4:32 एडवांस टेकल के लिए गया, लिहाजा टीम पिछड़ती हुई नजर, और उसका मुख्य रेडर संस्कार मित्र और मुख्य डिफेंडर कोर्ट के बाहर है। ये खतरे का सबब है बिलासपुर के लिए, अपने राइट एंड का रेडर है और अपने लेफ्ट एंड के डिफेंडर को छकाने का प्रयास किया था, निकलने का सारे रास्ते बंद कर दिए। इनकी जज्बे को सलाम करना होगा, मात्र 14 साल का है ये खिलाड़ी, इसके लिए ₹1,000 का इनाम है, सुपर टेकल ऑन है। और ये खिलाड़ी दोनों जवान है, और ये बेहतरीन, इसको टैकल कर लो, ₹1,000 अपने नाम कर लोगे, ₹1,000 नाम कर लोगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिलासपुर के लिए। इसको पकड़िए लाल झंडा लाना, पूरी तरीके से क्राउड में दर्शकों का लगातार आवाज आ रही है। खिलाड़ी भाना का परिचय देंगे आप, खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देंगे, आप हमारे क्रिकेट के मुख्य अतिथि, तो निश्चित रूप से 22-27 के मुकाबले खिलाड़ी का रिवाइवल हुआ है, और अंकों का जो फासला तो भी कम हो गया, तो पावा को यहां से चतुराई दिखानी होगी। अभी भी समय है, 3.5 मिनट का खेल आना बाकी है, तो 3 मिनट में पूरी कायनात बदल जाती है, आप तो जीते जाते शेरों का शेर पप्पर शेर हो। अभी भी 4 का डिफेंस है, और 1,000 का जो पुरस्कार राशि हमारे टीआई सर ने रखा था 8 नंबर की जर्सी पर, उसको मुकम्मल कर लिया है चिंगराज पारा बिलासपुर ने, और पूरी तरीके से 8 नंबर की जर्सी को पकड़ा, तो पूरे मैदान में समा बांध कर रख दिया, जहां सर झुक जाए वही मंदिर, और जहां सारी नदी सम जाए वहीं पर समंदर, और आप इसको पकड़ लिए भैया, आप हो मस्त कलंदर और सबसे बड़ा सिकंदर। बिलासपुर दिल्ली के विरुद्ध में इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिया है आपने, बड़ा टीम है, और दिल्ली भी बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया है भटगांव के सरजमी पर, निकलने का सारे रास्ते बंद हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से एंकल होल्ड हमारा है, राइट कॉर्नर का ये खिलाड़ी है, स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है बिलासपुर, अभी भी वही सिचुएशन, और मुख्य डिफेंडर पापा। 2:18 का खेल आना बाकी है मेरे भाई, 2 मिनट में पूरी कायनात बदल जाती है भाई।
28-22 के मुकाबले अभी भी अपने आप को 6 अंकों से पीछे पा रही, तो यहाँ पर एक सुपर रेड का दरकार है बिलासपुर को, और वो रेड करेगा कौन, उनका मुख्य रेडर कोर्ट के बाहर है, तो एक खतरे का सबब है बिलासपुर के लिए, क्योंकि बिलासपुर का जो मुख्य खिलाड़ी था उनका अनुपस्थिति है अभी। नहीं रुक पाया भाई, मैच हरियाणा दिल्ली जीत गया है 29 बिलासपुर 22। जाने देंगे उनको विजयन गाड़ी भाई, थोड़ा सा मोच आया खिलाड़ी पर इस वजह से मैच विनर हुआ दिल्ली। वैसे स्कोर 7-8 था भाई।